गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट चैप्टर नंबर 4, हाउ द ट्रेडर्स बिकेम रूलर्स। तो ये चैप्टर हम आज करेंगे। ट्रेडर्स मतलब होता है व्यापारी, जो व्यापार करने आते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ट्रेडर्स जो थे कैसे रूलर्स बन बैठे। रूलर्स मतलब जो राज करता है किसी जगह के ऊपर। तो ट्रेडर्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अंग्रेज़ों की, कि अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, यूरोपियन लोग जो थे, वो किस प्रकार से भारत में ट्रेडर यानी कि व्यापार करने आए थे और वो फिर हमारे मालिक बन बैठे। अब बच्चों के बारे में बताया गया यहाँ पर। बच्चे जो थे वो स्टोरी बुक पढ़ रहे थे जिसमें दो बिल्लियाँ और एक मंकी था रिसेस में। तो जब वो बुक पढ़ रहे थे तो जय और मिताली जो थे वो बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। कौन? जय और मिताली बहुत खुश हो रहे थे, फन यानी कि एंजॉय कर रहे थे उस कहानी को पढ़कर। फिर उनके क्लास टीचर जो उनके नज़दीक में ही बैठी हुई थी, उन्होंने उनको समझाया कि बच्चों ये भी एक पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है देखते हैं हम लोग। द थर्ड पार्टी टेक्स एडवांटेज ऑफ अ क्वारल बिटवीन द टू, कि जो थर्ड पार्टी रहती है यानी कि दो लोगों के झगड़े का फ़ायदा तीसरा ले जाता है। थर्ड पार्टी मतलब तीसरा व्यक्ति, एडवांटेज मतलब फ़ायदा ले जाता है किसका, दो लोगों के झगड़े का। और जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भी इसी पॉलिसी का यूज़ करके अपने रूल को एक्सपैंड किया था। एक्सपैंड करने का मतलब बढ़ाया था। फिर जय ने पूछा, सर ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्लास टीचर ने कहा, तो हम क्लास में चलते हैं तो मैं वहाँ पर आपको बताऊँगी कि अंग्रेज़ कैसे भारत में आए थे और कैसे आकर उन्होंने धीरे धीरे भारत पे कब्जा कर लिया। 18वीं शताब्दी के मध्य की बात है, बीच की बात है, एक ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत में एक स्ट्रॉन्ग पावर बनकर उभरने लगे। आपको पता है ब्रिटिशर्स सिर्फ यहाँ पर ट्रेड करने आए थे, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग पावर बनकर उभरे भारत के अंदर। इनिशियली दे टुक परमिशन टू ट्रेड इन इंडियन स्टेट्स। उन्होंने पहले तो परमिशन ली हमारे राजाओं से, क्या करने की, भारतीय स्टेट्स के अंदर ट्रेड करने की, व्यापार करने की। देन हाउ डिड दे बिकेम द रूलर्स ऑफ एंटायर इंडिया। अब जब वो व्यापार करने आए थे यानी कि कोई विदेशी आकर, कोई बाहर से व्यक्ति आकर इतने बड़े देश पे कब्जा करने लगे, इतने बड़े देश पे रूल करने लगे, कैसे पॉसिबल है। तो ऐसे में जो भारतीय स्टेट्स थी उनके ऊपर उन्होंने कैसे कब्जा किया, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। The history of British rule arouses many such questions. To serve their economic interests, they increase their political hold on India with the use of British diplomatic tactics. अब जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत पर कब्जा कैसे कर लिया इतने बड़े राज्य पर। क्या कोई विदेशी, कोई बाहर का आदमी आपके घर में आए और आपके घर पर कब्जा कर ले, ये पॉसिबल है? बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर ये कैसे हुआ, अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए भारत के ऊपर अपना जो होल्ड था वो धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। कैसे ये शुरू हुआ ये हम आगे देखते हैं। क्या आपको पता है भारत जो है वो कौन से साल में आज़ाद हुआ था, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं देखता हूँ कि आप लोगों को इतना पता है यानी कि भारत आज़ाद कौन से साल में हुआ था, यानी कि अंग्रेज़ भारत छोड़कर कब गए थे। अगर आपको ये पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वेलेस्ली के बारे में। वेलेस्लीज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। वेलेस्ली की जो पॉलिसी थी एक्सपेंशन की, एक्सपेंशन मतलब अपने राज्य को यानी कि अंग्रेज़ों के रूल को बढ़ाने की, वो क्या थी। जब वेलेस्ली भारत आए तो उनको जो पोस्ट दी गई थी वो गवर्नर जनरल बनकर आए थे भारत के। और उस समय इंग्लैंड और फ्रांस इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन थी। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में क्या चल रही थी, कंपटीशन कि कौन अपना जो रूल है, अपना जो वर्चस्व है वो ज़्यादा बढ़ाएगा भारत के ऊपर, कौन ज़्यादा स्ट्रांग बनकर भारत में रहेगा। और ये देखना बहुत ज़रूरी था कि फ्रांस जो है वो अंग्रेज़ों से यानी कि ब्रिटिशर्स से, इंग्लैंड से ज़्यादा पावरफुल ना हो पाए। इस कारण से वेलेस्ली जो थे, जो ये गवर्नर जनरल नए आए थे, इन्होंने नया प्लान भारत में पेश किया। नया प्लान जिसको कहा जाता है सब्सिडियरी अलायंस। क्या कहते हैं इसको, सब्सिडियरी अलायंस। क्या आपको पता है इस अलायंस की चार से पांच ऐसी शर्तें थी जो भारतीय राजाओं को अपने कब्जे में करने के लिए काफ़ी थी। कौन कौन सी थी हम देखते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत
कोई भी प्रिंसली स्टेट, अब हम बात कर रहे हैं प्रिंसली स्टेट्स की, प्रिंसली स्टेट मतलब जहाँ पर राजा रूल करते हैं। आपको पता है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले तक भारत में कितनी स्टेट्स थी? भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद भारत जो बनाया गया, मतलब पहले यहाँ पर छोटी 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 रियासतें थी जिनको हम राज्य कहते हैं, छोटे छोटे राज्य थे। लेकिन फिर जब भारत बनाया गया 1947 के बाद, तो उस समय जब भारत बना तो इन सब स्टेट्स को मिलाकर भारत बनाया गया है। अब आपको मुझे ये बताना है कि कितनी स्टेट्स को मिलाकर भारत बनाया गया था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि भारत जो है वो कितनी स्टेट्स को मिलकर बनाया गया है, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया इज़ मेड बाय सबमर्जिंग हाउ मैनी स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के अंतर्गत जो भी प्रिंसली स्टेट थी, जो भी राज्य था, वो इसको एक्सेप्ट करता था, इसको मानता था, तो उस राज्य को, उस राजा को ब्रिटिश आर्मी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? ब्रिटिश आर्मी। अब देखो, समझो कि आपका राज्य है और आपको उस समय, हमारे जो राजा थे एक दूसरे से लड़ाई तो करते रहते थे, युद्ध तो होते ही थे ना एक दूसरे राजाओं के ऊपर, हमने पढ़ा है अलग अलग राजाओं के बारे में किस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करके, एक दूसरे के ऊपर अटैक करके उनको, उनके राज्यों को जीतने की कोशिश करते रहते थे, अपने राज्य को बढ़ाने की कोशिश करते रहते थे। ये हमने सेवन्थ में भी पढ़ा ना, आपको फर्स्ट चैप्टर याद होगा, हर्षवर्धन का। और हर्षवर्धन का दूसरा राजा कौन था? पुलकेशी, याद है आपको सेवन्थ का चैप्टर फर्स्ट, पुलकेशी और हर्षवर्धन वाला। तो हमने देखा था किस प्रकार से पुलकेशी टू जो था उसने उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक अपना राज्य स्थापित किया, और हर्षवर्धन जो थे वो भी एक बहुत ही स्ट्रांग रूलर थे, उन्होंने किस प्रकार से भारत पर अपना रूल एस्टेब्लिश किया। तो एक दूसरे से अटैक, एक दूसरे के अटैक से बचने के लिए यानी कि एक दूसरे राजाओं से जब उनका सामना हो तो इनको प्रोटेक्शन मिल सके, इसलिए वेलेस्ली ने कहा कि अगर कोई राजा सब्सिडरी अलायंस को अपनाएगा तो उस राज्य को ब्रिटिश आर्मी दी जाएगी। और ब्रिटिश आर्मी उस समय बहुत ही स्ट्रांग मानी जाती थी, बहुत ही एडवांस्ड मानी जाती थी, अच्छे हथियार होते थे उनके पास। इस कारण से जो ऐसा व्यक्ति रहेगा, ऐसा राजा रहेगा जो सब्सिडरी अलायंस को मानेगा, उसको हमारी आर्मी दी जाएगी ताकि दूसरे राजाओं से उसकी रक्षा की जा सके। दूसरा, उसको अपने राज्य के अंदर एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव रखना होगा, यानी कि जो राजा के दरबार के अंदर एक व्यक्ति अंग्रेज़ों का होगा, यानी कि अंग्रेज़ों में से कोई भी एक व्यक्ति वहाँ पर रखा जाएगा जो वहाँ पर रहकर सब कार्य की देखरेख करेगा। इस तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे वो अपनी आर्मी को पालते रहे बिना पैसा खर्चे। कैसे? अब ये भी बताऊं कि जो आर्मी, आपको समझो हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि आप एक राजा हो और आपका जो राज्य है, आपको आजू बाजू के राजाओं से बचने के लिए आपने सब्सिडरी अलायंस को अप्लाई किया, आपने कहा कि मुझे ये चाहिए सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, मैं इसको मानना चाहता हूँ, तो क्या किया जाएगा समझो? तो अंग्रेज़ क्या करेंगे, अंग्रेज़ अपनी आर्मी आपको देंगे। चलो, अंग्रेज़ों ने आपको आर्मी दे दी, ठीक है। उसके बाद उनका एक आदमी आपके कोर्ट में भी आकर रहने लगा, आपके मतलब जो पूरे काम थे उसके अंदर दखलंदाजी करने लगा उनमें से एक आदमी। अब जो आर्मी आपको दी जाएगी, उस आर्मी का जो पूरा खर्चा है, उनका खाना पीना, उनका सैलरीज वगैरह, वो सब पैसा कौन देगा? अंग्रेज़ नहीं देंगे, आपको देना होगा। वो आर्मी किसकी है? अंग्रेज़ों की। उसको पाल कौन रहा है? उसकी पगार कौन दे रहा है? उसको खाना पीना कौन दे रहा है? आप दे रहे हो, इसमें आपको क्या फ़ायदा मिला? इस तरह से अंग्रेज़ों ने अपनी आर्मी को और ज़्यादा बढ़ाना शुरू किया बिना पैसा खर्चे। देखो, उनका तो कुछ लग ही नहीं रहा ना, आर्मी तो अंग्रेज़ों की है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर आपको युद्ध करना है किसी राज्य के साथ तो आपको अंग्रेज़ों से परमिशन लेनी पड़ेगी। या आर्मी आपको मिल गई है तो ऐसा नहीं है कि आप मुँह उठा के कहीं भी हमला करके उसको जीत लो, उस राज्य के ऊपर हमला कर दो। अगर आपको हमला करना है तो आपको अंग्रेज़ों से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ऐसी आर्मी का कोई मतलब नहीं था, लेकिन भारतीय राजा इस स्कीम के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर फंस गए, उल्लू बन गए। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने बिना कुछ पैसा खर्च किए अपनी आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रांग करते हुए भारतीय राजाओं को उल्लू बनाना शुरू किया। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी इनको इस आर्मी को बिना उनकी मर्जी के यूज़ करने से मना किया गया। जैसे मैंने बताया ना कि अगर उनको कहीं युद्ध करना है इस आर्मी को लेके, तो वो युद्ध करने से पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी अंग्रेज़ों से।
तो इस तरीके से देखो, ये जो तीन चीज़ें हमने पढ़ी, पहला आर्मी दी गई, दूसरा आर्मी को यूज़ करने के लिए परमिशन मांगनी पड़ेगी, तीसरा एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव उनके कोर्ट में रहेगा, तो तीनों चीज़ें है तो सब अंग्रेज़ों की फेवर में। तो इस तरीके से ये सिस्टम जो था, ये सिस्टम ऐसा लगता था शुरू में हमारे राजाओं को कि वो सिक्योर हैं, इससे वो काफ़ी ज़्यादा सेफ हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल में इस सिस्टम ने उनको एनस्लेव यानी कि गुलाम बना लिया था और उनके अंदर एक डर का माहौल पैदा कर दिया था। तो इस तरीके से सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक और नाम भी दिया गया है, क्या? स्लो पॉइजन, यानी कि मीठा जहर, धीरे धीरे मारता है। द इंडियन स्टेट्स दैट बिकेम द विक्टिम्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम्स वर, अब भारत की जो स्टेट सबसे पहले जो इस जहर का निवाला बनी वो कौन सी थी, ये आपके सामने है। देखिए, हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, वडोदरा, पुणे और ग्वालियर। अब इन लोगों को लगा कि ये तो बहुत अच्छी पॉलिसी अंग्रेज़ों की, क्यों ना हम ये पॉलिसी लेकर अपने आप को दूसरे राज्यों से सेफ कर लें। तो उन्होंने इस पॉलिसी को जल्दी जल्दी अपना लिया, लेकिन उनको नहीं पता था कि इसकी आर्मी के मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा है वो इतना ज़्यादा होगा कि इनका जो पूरा खजाना है वो कुछ ही समय के बाद एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, सबसे पहले जो विक्टिम थे वो निज़ाम थे हैदराबाद के। फिर उसके बाद मैसूर आया, फिर अयोध्या, फिर तंजोर और कर्नाटक जो थे वो भी सेम फेट, यानी कि उनका भी यही अंजाम हुआ। और इस तरीके से द ब्रिटिश मेड द मराठास फाइट अमंग देमसेल्स, तो अंग्रेज़ों ने मराठाओं को आपस में लड़ा दिया और फिर उनको सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करने पे मजबूर कर दिया। ओइंग टू द लॉसेस इनकर्ड बाय निज़ाम इन हिज फाइट विद मराठास, ही वॉज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट दिस अलायंस। मराठाओं के साथ जो युद्ध हुआ था निज़ाम का, उसमें बहुत नुकसान हुआ था निज़ाम का, इस कारण से निज़ाम जो थे हैदराबाद के उन्होंने भी इस अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया। टीपू सुल्तान जो थे, अब देखिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं, टीपू सुल्तान की क्या हिस्ट्री थी। टीपू सुल्तान जो कि मैसूर के राजा थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करने से मना बोल दिया, बोले मैं नहीं लेने वाला ये। लेकिन ब्रिटिश और मैसूर के बीच में चौथी लड़ाई हुई, देखिए चार लड़ाइयां हुई टीपू सुल्तान और इनके बीच में। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली थे, उन्होंने भी लड़ाइयां लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो टीपू सुल्तान ने जब लड़ाई लड़ी, जिसको हम एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जानते हैं, जब चौथी लड़ाई हुई तो चौथी लड़ाई में भी टीपू सुल्तान की हार हुई। इसके बाद मैसूर को जबरदस्ती सब्सिडरी स्टेट बना दिया गया, यानी कि फिर जबरदस्ती इनको ये पॉलिसी इनके ऊपर थोप दी गई। अब ये क्यों थोप दी गई? क्योंकि अंग्रेज़ जीत गए थे और जीता हुआ व्यक्ति ही मर्जी करता है, हारे हुए लोगों को कोई नहीं पूछता है। मराठा चीफ फॉट अमंग्स देमसेल्स आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस, और जो मराठा लोग थे, जो मराठा जो थे वो लोग आपस में ही लड़ने लगे और अपने आप को और कमज़ोर करने लगे। नाना फडणवीस की मौत के बाद, नाना फडणवीस ने सब लोगों को संभाल कर रखा हुआ था, सब लोगों को एक साथ करके रखा था, लेकिन जैसे ही उनकी मौत हुई तो मराठा जो चीफ थे, जो बड़े उनके जो हेड्स थे, वो आपस में ही लड़ने लगे। वन बाय वन ऑल द मराठा स्टेट्स, और धीरे धीरे उनकी जो सारी मराठा स्टेट्स थी वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का शिकार होती गई, यानी कि अंग्रेज़ों ने मराठाओं को आपस में लड़ाकर धीरे धीरे उनकी हर एक स्टेट पे कब्जा करना शुरू कर दिया। दूसरी स्टेट्स की बात की जाए, जैसे हमने पढ़ा अयोध्या, गोरखपुर, तंजोर, कर्नाटक, फरुखाबाद, ये सब भी इनका अंजाम भी यही हुआ। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने 7 साल के भीतर अपना जो रूल था वो इन सब स्टेट्स के ऊपर कायम कर लिया। वेलेसली एक्सपेंडेड द कंपनी रूल एंड मेड द ब्रिटिश द सुप्रीम पावर, तो वेलेसली ने कंपनी रूल को एक्सपेंड किया और भारत के अंदर अंग्रेज़ों को सुप्रीम पावर बनाकर छोड़ा। तो देखिए वेलेसली ने किस प्रकार से अंग्रेज़ों को आगे बढ़ाया।